हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर जिला स्तरीय 14 वर्षीय बालकों की हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन रीजनल स्टेडियम में किया गया, जिसमें जनपद की 6 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश युवा कल्याण विभाग के उपाध्यक्ष डॉक्टर विभ्राट चंद्र कौशिक ने किया। इस मौके पर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इसके पूर्व उद्घाटन के मुख्य अतिथि ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन किया तथा क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ने मुख्य अतिथि को बुके प्रदान कर स्वागत किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में गुलाम सरवर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी उपस्थित थे, जिन्हें आजाद सिंह उप क्रीड़ा अधिकारी ने बैच लगाकर स्वागत किया। पहला मैच FCI गोरखपुर बनाम बेसिक शिक्षा हॉकी टीम के मध्य खेला गया, जिसमें FCI ने बेसिक शिक्षा हॉकी टीम को 6 गोल से पराजित किया तथा अगला मैच रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर बनाम FCI गोरखपुर के मध्य खेला गया, जिसमें स्टेडियम गोरखपुर की टीम ने FCI गोरखपुर को 4-0 गोल से पराजित किया। फाइनल मैच रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोरखपुर बनाम FCI गोरखपुर के मध्य खेला गया, जिसमें स्टेडियम गोरखपुर की टीम ने FCI गोरखपुर को 5-0 गोल के अंतर से पराजित कर विजेता बनी। वहीं FCI गोरखपुर को उप विजेता खिताब पर ही संतोष करना पड़ा। प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल ने विजेता एवं उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश हॉकी संघ उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश, भारतीय कुश्ती संघ के सदस्य आदित्य प्रताप सिंह, अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती पहलवान चंद्र विजय सिंह, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रीता मिश्रा, नगर निगम के उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा सहित क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर विभ्राट चंद्र कौशिक एवं महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम आई साहब हमारे भी RSO साहब वर्सेस FCI, इसके पूर्व में बेसिक शिक्षा वर्सेस FCI का मैच हुआ इनफ और मुख्य अतिथि काशी जी। सभी गणमान्य लोग, बाकी लोग की प्रतिक्रिया हमारे हॉकी के
आप सभी हमारे बीच उपस्थित हैं, आप सबका हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। फाइनल मैच है दर्शकों, ये सम्मान प्रतियोगिता है और इसमें जो बच्चे नेहा सिंह काम कर रहे हैं आप सभी ने अपने व्यस्तम समय देकर हमारे इस समारोह दीपक अंशु ठाकुर आलम विवेक क्या हो गया तुम बड़ा इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में हमारे श्री आरती विश्वकर्मा जनाब अख्तर वो ठीक है नीचे रहता मैंने कहा है मेरा नाम आले हैदर रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर गोरखपुर। आज देखिए आज राष्ट्रीय खेल दिवस है और आज हमारे जो हॉकी विजर्ड थे इंडिया के दादा ध्यानचंद जी आज उनका जन्मदिन है। पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और आज उसी के परिप्रेक्ष्य में ये यहाँ पर रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक अंडर 14 बालकों का एक हॉकी का कॉम्पिटिशन हो रहा है जिसमें 6 टीमें भाग ले रही हैं। इसमें जो विजेता उपविजेता खिलाड़ी होंगे वो खेल विभाग द्वारा उनको पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये खेल का आयोजन इसलिए हो रहा है कि हॉकी को प्रमोट करना है। ये पिछले कई सालों से योजना चलाई जा रही है और उसका प्रतिफल आपको देखने को मिला होगा कि अभी 41 वर्षों बाद जो भारत की टीम ने अभी ब्रॉन्ज मेडल लिया है तो ये कहीं ना कहीं हमें इसका प्रतिफल मिलता है और निश्चित रूप से यदि इसी तरह के बच्चों में कॉम्पिटिशन्स होते रहेंगे इस एज ग्रुप में और छोटे बच्चों में तो निश्चित रूप से हमको एक बहुत अच्छी नर्सरी तैयार हुई मिलेगी जिसमें से हमको राष्ट्रीय टीम के लिए सिलेक्शन करना बहुत आसान होता है। इसी प्रकार के आयोजन सभी ज़िलों में किए जा रहे हैं और यहाँ पे आज बहुत अच्छा आयोजन हुआ जिसमें आज हमारे इस महापौर महोदय यहाँ पधारे और उन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं श्री धीरज सिंह हरीश भैया आप भी आए थे और बहुत सारे अतिथि जो यहाँ थे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स थे उन्होंने सब यहाँ आज इस आनकर दादा ध्यानचंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया पुष्प अर्पित किए और आज एक बहुत ही स्वर्णिम याद उनकी कि उन्होंने अपना एक कितना बड़ा स्वर्णिम कैरियर हॉकी में गुजारा है वो आज सब उस पर यहाँ पर सभी खिलाड़ियों ने उस पर चर्चा की है और एक बहुत ही अच्छी तरीके से कि जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत के लिए दादा ध्यानचंद जी ने दिया क्योंकि जितने ओलंपिक पदक जीते गए वो दादा ध्यानचंद जी का उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जितने स्वर्ण पदक आए हैं भारत के लिए झोली में और उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद 41 साल बाद ये पदक प्राप्त हुआ है ब्रॉन्ज तो हम कहेंगे कि दादा ध्यानचंद की जो पर्सनैलिटी थी वो हॉकी में एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थी बल्कि किसी भी खेल की तो छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं थी एक बहुत बड़ा नाम है खेल की दुनिया का दादा ध्यानचंद जी। तो निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों के लिए बड़ा ही इंस्पायरिंग है और नो डाउट
हमारे आने वाले समय में हॉकी का प्रमोशन बहुत अधिक होना है और सरकार इसके लिए कितने प्रयास कर रही है, बहुत बड़े अच्छे आयोजन और उनके लिए खिलाड़ियों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, तो ये सब खिलाड़ियों के लिए है ताकि एक युवा जो है, जो हमारा युवा है, वो इस खेलों से जुड़े और एक अनुशासन के साथ साथ अपने स्वास्थ्य और शरीर का भी ध्यान रखे। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फिट इंडिया कार्यक्रम, राष्ट्रीय योग, ये सब चीज़ें क्या हैं कि भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये योजनाएं लागू की जा रही हैं और ये बहुत ही ताकि सभी युवा जो हैं फिट रहें, स्वस्थ रहें, तभी हमारा देश विकास कर सकता है। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाती है और इसी के उपलक्ष्य में पूरे भारत में छोटे मोटे खेल के आयोजन किए जाते हैं। ध्यानचंद जी में आप सब जानते हैं कि विश्व में भारत का गौरव ऊंचा किया था और जो हमारी पारंपरिक खेल है, गांव की खेल है, ग्रामीण परिवेश की खेल है, उसको पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व मेडल के रूप में अगर किसी ने दिलाया तो मेजर ध्यानचंद जी। आज उनके जन्मदिवस के अवसर पे यहाँ पर गोरखपुर में क्षेत्रीय क्रीड़ांगन में खेल विभाग द्वारा 19 वर्ष के कम उम्र के बच्चों का एक हॉकी मैच कराया गया माननीय रसो साहब द्वारा। स्टेडियम में धीरज सिंह हरीश और खेल अधिकारी और विभिन्न खेल संघों के अध्यक्ष, महामंत्री, कुश्ती संघ के आदित्य जी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री ने ध्यानचंद जी के जन्मदिवस को खेल दिवस में मनाने का निर्णय किया है। उसी के तहत रीजनल स्टेडियम में हॉकी का खेल आयोजित किया गया है। धीरज जी हॉकी संघ के अध्यक्ष हैं और इनके नेतृत्व में एक कार्यक्रम चल रहा है। हमारी सरकार खेल का बढ़ावा देने के लिए हर गांव में खेल का मैदान बना रही है, खेल के प्रेमियों को बढ़ावा दे रही है, उनके आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा रही है। इसका उदाहरण है कि ओलंपिक में आज हमारे खिलाड़ियों ने, महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और आगे के आने वाले दिनों में इस खेल दिवस को मना करके खेल को प्रोत्साहन देने के लिए मोदी जोगी के प्रयास सफल होंगे और भारत एक दिन ध्यानचंद जी के जो उस खिलाड़ियों का सम्मान जो बढ़ाया था, हमारी सरकार आज उस मंजिल तक पहुंचने की पूरा प्रयास कर रही है और जल्द ही भारत दुनिया में अपना एक स्थान बनाएगा। जय हिंद।